नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी ग्रुप की तरफ से बड़ा धमाका होते हुए दिखा है आज के सेशन में और लगता है कि अब यहां से यू टर्न मारेगा अदानी ग्रुप। बट मैं ये यू टर्न और लेफ्ट टर्न की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आप सभी के साथ नंबर्स के बारे में। और नंबर्स देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स इतने हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे थे, लिटरली इनमें दम है कि अगले 5 साल में ये स्टॉक इस हिसाब से पैसा बनाएंगे कि इनके वैल्यूएशन जस्टिफाई करेंगे। फिर अब आप देखिए, अदानी ट्रांसमिशन के नंबर्स आए थे 2 दिन पहले, मैंने आपके साथ शेयर भी करे थे, क्या शानदार नंबर थे। आज के सेशन में अदानी ग्रीन एनर्जी के नंबर आते हुए दिखे, तूफानी नंबर है, तोड़फोड़ नंबर पेश करे हैं कंपनी ने। स्टार्ट करूं अगर हेडलाइन के साथ तो लगभग 110% का जंप देखने को मिल रहा है आपको इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, तो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। शुरू करते हैं, नंबर देखते हैं कैसे रहे, डिटेल में शेयर करते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ऑन 7th फरवरी सेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ज़ूम्ड 110% टू ₹103 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st 2022 फ्रॉम 49 करोड़ अगेंस्ट इन अ ईयर अगो। यानी कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लगभग 49 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने इस बार कंपनी ने 103 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है। तूफानी नंबर है और इनके जो जॉइंट वेंचर है वो भी बेहतरीन प्रॉफिट पोस्ट करते हुए देखिए, उसका प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ हो गया है। तो ये मतलब एक्सेप्शनल नंबर आ रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज 41% ऑन ईयर बेसिस टू ₹1973 करोड़ फ्रॉम 1400 करोड़, तो लगभग 1400 करोड़ से बढ़कर 1973 करोड़ पे रेवेन्यू इनका आता हुआ दिख रहा है, 41% का जंप है। एबिटा रुपीस की बात करें तो लगभग 1040 करोड़ से घटकर 853 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि लगभग आपके लिए यहाँ पे गिरावट है। तो एबिटा कामकाजी मुनाफा आपके लिए डाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन नंबर टोटल प्रॉफिट जो आपके लिए 110% जंप करता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल रही है, 74 पॉइंट अगर आप देखेंगे 74.50% से घटकर 43.23% पे आते हुए दिखे, तो मार्जिन ऑलमोस्ट आधे रह गए हैं, बट प्रॉफिट फिर भी जंप कर रहा है, रेवेन्यू इतना कुछ खास है नहीं, तो ये थोड़ा सा झोल लगने लगा है फिर से। अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ चीजें शेयर करूं तो अदानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से कुछ कमेंट्री भी है। ये कंपनी सेज मैनेजमेंट ऑफ अदानी ग्रुप एंटिटीज आर एवलुएटिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट टू लुक इनटू इश्यूज कंप्लेंट्स ऑफ एप्लीकेबल लॉस रेगुलेशंस ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक इश्यूज। आपके साथ और भी चीजें शेयर करना चाहूंगा, कंपनी ने अपने जो शेयर्स हैं जो छुड़ाने की बात करी थी उससे रिलेटेड भी कुछ बोला है यहाँ पे, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहता हूँ अदानी ग्रुप की तरफ से जो जो चीजें बोली गई हैं इस समय अदानी ग्रीन एनर्जी के जब नंबर्स पेश करें तब। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, द कंपनीज स्टॉक हैज फेलन 55% सिंस पब्लिकेशन ऑफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन जनवरी 24। प्लेज स्टेक इन द कंपनी इज नाउ डाउन 1.36% फ्रॉम 4.36% आफ्टर प्रमोटर प्रीपेड सम लोन्स टू रिलीज शेयर्स। यानी कंपनी ने लगभग 1.36% शेयर्स को जो प्लेज थे उन्हें छुड़ा लिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रीपे लोन को पहले पे कर दिया है समय सीमा से, तो इसके चलते उन्होंने लगभग लगभग शेयर्स को छुड़ाया है। और ये स्टॉक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ऑलमोस्ट 50-55% डाउन हो चुका है, तो ये इनकी तरफ से एक खबर आती हुई दिखी है। ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो मुझे काफी शानदार लगे, प्रॉफिट में काफी बढ़िया जंप है, लेकिन एबिटा मार्जिन में गिरावट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। एबिटा में भी गिरावट है, तो कामकाजी तौर पर हर तरफ गिरावट है, लेकिन प्रॉफिट ओवरऑल काफी हैवीली बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, आज के सेशन में इनकी कंपनी की तरफ से एक और नंबर आते हुए दिखे थे, वो थे अदानी पोर्ट्स के, जिसके स्लाइटली नेगेटिव नंबर थे। एंड थर्ड जो नंबर आने थे अंबुजा सीमेंट के, वो भी आए, वो एक्सेप्शनल केस है, वो बहुत तगड़े नंबर है हर एक पैमाने पे, चाहे आप कामकाजी मुनाफा देखिए, मार्जिन्स का लेवल देखिए, नेट प्रॉफिट देखिए, हर एक पैमाने पे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट करा, शानदार नंबर पेश करे। अभी तक अदानी ग्रुप की तरफ से 4 कंपनियां नंबर पेश करते हुए दिखी है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट एंड अदानी पोर्ट्स, और अदानी पोर्ट्स को छोड़कर तीनों कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार आए हैं। तो ये कुछ बोलने और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई नंबर तो मतलब बहुत तगड़े आ रहे हैं, ये आगे चल के दोबारा कमाल करने के लिए तैयार दिख रहा है यहाँ पे अदानी ग्रुप, ऐसा लगता है। तो यही थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में पसंद होना आएगी। अभी भी यही कहूंगा कि लोअर सर्किट पे ना बेचे, अगर लगा हुआ है तो ऊपर आएगा, बाउंस बैक देगा, तभी आप अगर निकलना है तो तब मौके ढूंढें, गिरावट में ज्यादा हैवी लॉस बुक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। तो यही थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद होना आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।